जब भी कोई हवाई जहाज रडार से गायब हो जाता है और काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, तो अक्सर यही मान लिया जाता है कि वो जहाज़ या तो समुद्र में या फिर ज़मीन पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो अपनी उड़ान पर निकलने के कुछ देर बाद ही गायब हो जाता है और कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन वही जहाज अचानक किसी हवाई अड्डे पर उतरता है और लोगों के लिए तमाम सवाल खड़े कर देता है कि इतने सालों तक ये जहाज कहाँ था और आखिर उन यात्रियों का क्या हुआ जो इस जहाज में सवार थे। दोस्तों, वैसे तो हवाई जहाज़ों के गायब होने की यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी बरमूडा ट्रायंगल के पास बहुत सारे जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताएंगे जो 37 सालों तक गायब रहा और एक दिन उसी स्थिति में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरता है जिस स्थिति में वह 37 साल पहले उड़ा था। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई। ये घटना है 21 मई 1992 की, जब एक हवाई जहाज़ फ्लाइट 914 वेनेजुएला के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस हवाई जहाज़ ने 22 जुलाई 1955 में 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी, जो कभी मायामी पहुंचा ही नहीं और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। इस घटना का मुख्य सबूत जहाज़ के पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है और दूसरा सबूत 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर है जो जहाज को पायलट ने दोबारा उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कंट्रोल टावर के कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। कर्मचारियों का कहना था कि यह प्लेन काफ़ी अजीब और अलौकिक था जो बहुत पहले मॉडल का लग रहा था और राडार स्क्रीन पर भी नहीं दिखा। जहाज के रनवे पर उतरने से पहले पायलट और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों के बीच रेडियो कम्युनिकेशन पर बातचीत हुई। जब कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने पायलट से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब दिया कि हम कहाँ हैं। उसके उस आवाज़ में उसकी घबराहट और परेशानी साफ साफ पता चल रही थी। अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर फ्लाइट 914 है जिसमें 57 यात्री सवार हैं और यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकली है। पायलट की इस बात को सुनकर कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मायामी काराकास वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा कि यह तो काराकास है, आप जिस मायामी की बात कर रहे हैं वो यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर है और आप गलत डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर भी कंट्रोल रूम ने मुसीबत में जानकर जहाज़ को रनवे पर उतारने की अनुमति दे दी और जहाज़ सफलतापूर्वक रनवे पर उतर गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण में है तो उन्होंने फ्लाइट की आवाज़ सुनी जो अपने साथी पायलट से कह रहा था कि देखो क्या ये अजीब सी चीज़ है। जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़े जेट प्लेन को देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई हो। कंट्रोल रूम के कर्मचारी डॉक्टर डेला कोट के अनुसार पायलट ने बताया कि यह फ्लाइट 1955 में मायामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने पायलट को बताया कि यह काराकास वेनेजुएला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। जहाज़ का पायलट डॉक्टर डेला कोट की बात सुनकर भौचक्का रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ओ माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें ही भूल गया हो। डॉक्टर डेला कोट ने पायलट का हौसला बांधने की कोशिश की और सहायता के लिए ग्राउंड स्टाफ भेजने की बात कही। यात्रियों के चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात का आभास ही नहीं था। उन्हें तो अभी यही लग रहा था कि उन्होंने मायामी पोलारिडो लैंड किया है और वे 1955 में ही हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास जाने लगा तो पायलट एकदम से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आना, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि उन सभी यात्रियों के भौचक्के चेहरे नजर आ रहे थे, जैसे वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा था। पायलट दूर से ही ग्राउंड स्टाफ को हाथ से इशारा कर रहा था और कह रहा था कि दूर हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोट के अनुसार उस समय पायलट के हाथ में एक फाइल थी और वह फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड स्टाफ को वापस जाने को इशारा कर रहा था। शायद यही वो समय था जब छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर गया जो उन्हें बाद में मिला। पायलट ने अफरा तफरी में जहाज का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को फिर से ले उड़ा। बाद में कंट्रोल टावर के रेडियो में रिकॉर्ड हुए वार्तालाप और उस कैलेंडर को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। दोस्तों, इस घटना के पीछे का रहस्य अब भी अनसुलझा है। जानकारों का मानना है कि ये या तो कोई अलौकिक घटना थी या फिर जहाज टाइम ट्रेवल करता हुआ 1955 से 1992 में आ गया था।
ये बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा है। हैरानी की बात ये नहीं कि ये जहाज 37 वर्षों तक गायब रहा, बल्कि ये जो यात्री जिस अवस्था में गायब हुए उसी अवस्था में मिले, यानी समय के बीतने का उनकी उम्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, यानी जो समय में यात्रा करता हो, समय में यात्रा करता हुआ आदमी वर्तमान को पीछे छोड़कर भविष्य में पहुंच जाता है और वर्तमान को छोड़कर भूतकाल में भी पहुंच सकता है। इस बात पर यकीन कर पाना किसी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है, पर हाल ही के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का भी सिर चकरा दिया। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक समय यात्रा को काल्पनिक मानते हैं क्योंकि ऐसा मानने का उनके पास कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक समय यात्रा की संभावना से इनकार भी नहीं करते। वैसे देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम समय यात्रा करते हुए भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से लगातार भविष्य की ओर जा रहे हैं। हमारे वर्तमान समय यात्रा की दर 1 घंटा प्रति घंटा है, यानी हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा। लेकिन यदि यही समय की गति 1 घंटा प्रति घंटा न होकर कम या ज़्यादा हो तो व्यक्ति भविष्य या भूतकाल में जा सकता है। दोस्तों, आपने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत की घोषणा की थी। इस सिद्धांत के अनुसार समय हर परिस्थिति में एक ही गति से नहीं चलता, यानी समय की गति परिस्थिति के अनुसार कम या अधिक हो जाती है। जैसे नदी की पानी की रफ्तार कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होती है, उसी प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय की रफ्तार कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। जैसे कि इस समय मेरा समय जिस गति से चल रहा है, हो सकता है कहीं और इसी समय की गति कुछ और हो, यानी जिस जगह समय की गति प्रकाश की गति से कई गुना तेज होती है, वहां वह व्यक्ति वर्तमान समय से भी आगे भविष्य में चला जाता है। यानी एक उदाहरण के लिए, आप किसी तेज रफ्तार से चलने वाली रेल या जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा हो जाएगा, और जब आप उस रेल या जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुँच जाओगे। हालांकि इतनी कम गति में चलने की वजह से आप 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही पहुंच पाओगे। जैसे मान लो कि हम किसी तेज गति की ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन जब तक हम ट्रेन की विंडो से झांक कर नहीं देखेंगे हमें ट्रेन की गति का अनुभव नहीं होगा। शायद ऐसा ही कुछ उस प्लेन के साथ घटा होगा। 22 जुलाई 1955 को जब उसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी तो मायामी के लिए ये सफ़र मात्र 3.5 घंटे का था। बाद में शायद वह जहाज एक ऐसे टाइम जोन में पहुंच गया होगा जहां समय की रफ्तार सामान्य गति से लाखों गुना अधिक होगी, और 37 वर्ष बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे वो अभी 3.5 घंटों के सफर में ही हैं। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत से पहले सभी को यही लगता था कि ब्रह्मांड के सभी जगह समय की गति एक जैसी होती है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत के बाद वैज्ञानिकों ने भी समय यात्रा की संभावना से इनकार नहीं किया। धरती पर कहीं कहीं समय की गति कम और ज़्यादा होने के कारण यहाँ समय यात्रा की कई घटनाएं सामने आई हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे।